ये हर तरीके से पाइप आपको डालना है। ये पाइप डालने से क्या होता है, तार काटता नहीं है सीलिंग चैनल में, इस तरह से आपको डालना है। इसको कैसे डाल डाल के ले जाना है आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये एक शोरूम वायरिंग है, शोरूम में जैसे शोरूम में दीवार में कहीं लाइट नहीं रहेगा, सिर्फ सीलिंग में लाइट रहेगा। इसको इसको नक्शा दिया हुआ है। तो और दोस्तों मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और कुछ भी आपको सवाल सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसको कैसे अकेले में तार डालना है ये आपको सिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहले जिस लाइट का तार आप डालेंगे तो उसमें से आपको जहाँ स्विच बोर्ड रहेगा वहां तक तो आपको तार को नापी करके सबको गिरा देना है, ठीक है। गिरा के ले जाना है, इस तरह से ले जाना है। देखिए दोस्तों, हाँ मेरा स्विच बोर्ड रहेगा, देखिए सब नापी कर करके आप वायरिंग किए हैं। यहाँ स्विच बोर्ड, एमसीबी बॉक्स, ठीक है, और देखिए दोस्तों इस शोरूम का स्विच बोर्ड यही है और एमसीबी बॉक्स यही है, यही लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, यही लगाए एमसीबी बॉक्स, एमसीबी बॉक्स लगाए, स्विच बोर्ड यही लगाए। देखिए इसलिए है इस शोरूम का पूरा कंप्लीट। देखिए जो तार है, वायर है, इस वायर को इसमें से आप लंबा रखना होगा आपको, देखिए बस तार आपको लंबा रखना होगा, ठीक है। फॉल सीलिंग काम करने में तार आपको लंबा रखना होगा। और दोस्तों ऊपर से सेट किया हुआ है जल्द, दोस्तों वायरिंग तो सभी करते हैं इलेक्ट्रिक वायरिंग, लेकिन नक्शा के हिसाब से वायरिंग करना बहुत जटिल हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से कैसे आपको नक्शा देख के आपको वायरिंग करना है, कहाँ कौन पॉइंट रहेगा, इसको मालूम करना बहुत जरूरी है, लेकिन आसान तरीका नहीं है। तो मेरा जितना काम होता है मेरा चैनल में सब आर्किटेक्ट का काम होती है, ठीक है। तो इसको नक्शा देख के कैसे करना है ये आपको सिखाने वाले हैं, आर्किटेक्ट का ड्राइंग देख के कैसे काम कीजिएगा इसके आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा तो मेरा पीछे वाला वीडियो में इंतजार कीजिए, मेरा आर्किटेक्ट का ड्राइंग कैसे देखना है, नक्शा देख के कैसे आप वायरिंग करेंगे ये आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो इतना है।